हेलो गाइस, मेरा नाम है अल्फिशान मलिक और आज मैं आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की COVID-19 रिगार्डिंग गाइडलाइंस पे बात करने वाला हूँ। अब ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना था और मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि जिस तरह से मैं मार्केट में देख रहा हूँ, लोग अभी भी बेसिक प्रिकॉशंस के लिए इतने ज़्यादा तैयार नहीं हैं, लोग इतने ज़्यादा बेसिक प्रिकॉशंस लेते नहीं हैं और अनअवेयर है बहुत से कंडीशनों में। तो इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बेसिक गाइडेंस है जो अगर हम फॉलो करते हैं तो अपनी हेल्थ को हम बहुत अच्छा रख सकते हैं और हम ये ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होना या वेंटिलेटर की प्रॉब्लम से या हॉस्पिटल के धक्कों से बच सकते हैं। और पहले तो हमें ये जानना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, जिसे WHO कहा जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है हेल्थ रिगार्डिंग। ये पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन में रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करती है। उस जो भी कंट्री में जो भी क्राइसिस चल रहा है उसके रिगार्डिंग वो गाइडलाइंस भी फॉलो कराती है और इसके अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट्स रखती है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह की कंडीशंस है और क्या और हेल्पफुल हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड के रिगार्डिंग एक गाइडलाइंस ऑलरेडी बनाई हुई है। ये वीडियो मुझे 1 ईयर पहले ही बना देना चाहिए था, बट मैं तब मुझे इतना पता नहीं था, बट मैं इतना समझ चुका हूँ कि ये एक बेसिक प्रिकॉशंस की बात है और हमें इस प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हम हमारी हेल्थ और हमारे आसपास रहने वाले लोगों की भी हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं। तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के बारे में गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे ही फर्स्ट सर्च इंजन में ही हमें एडवाइस फॉर द पब्लिक का पेज आ जाएगा। आप उसकी वेबसाइट में जाके भी डिसीज़ के अंदर जाके कोरोना वायरस डिसीज़ के अंदर जाके एडवाइस में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि किस तरह की वैक्सीन किस कंट्री में, कौन सी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, किस कंडीशन में कौन सा देश अभी सफ़र कर रहा है। उसके अलावा वो पर्टिकुलर जो भी कंट्री है उसमें कितने केस अवेलेबल है, कितने लोग रिकवर हुए हैं, ये सब डेटा भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रखता है। बट आज हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, आज हम एक अपनी अवेयरनेस और प्रिकॉशंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने बेसिकली प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम COVID-19। तो किस तरह से, अगर आपको सिंपल प्रिकॉशंस की बात की जाए तो ये लोग कहते हैं कि फिज़िकल डिस्टेंस रखें, वेयरिंग अ मास्क, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनना ना भूले, कीपिंग रूम वेल वेंटिलेटेड, जिस भी रूम में रहे जहाँ भी हो तो वहाँ पर अच्छा सा वेंटिलेशन अवेलेबल हो, अवॉइडिंग क्राउड, क्लीनिंग योर हैंड्स, बार बार अपने हाथ धोते रहे, एंड अगर आपको जुखाम हो चुकी है तो प्लीज़ अपने साथ रुमाल या टिश्यू रखे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है जैसे कि कौन से फैक्टर से जहाँ पे आप सेफ हो सकते हैं। तो अगर आप नेचर के नज़ीक है कहीं पे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, पंछियों की आवाज़ आ रही है और वहाँ पे आप कम लोग अवेलेबल हो तो वो आपका एक सेफ एरिया है, वहाँ पे आपको कोविड होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। उससे कंपेयर की जाए, अगर आप किसी रूम में है, किसी ऑफिस में है जहाँ पे बहुत सारा क्राउड है तो वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर आप एक या दो बंदों के कॉन्टेक्ट में हैं या फिर कम लोगों के कॉन्टेक्ट में हैं और उसके साथ आपने मास्क भी पहना हुआ है तो आप सेफ है, बट आप मास्क पहनते नहीं हैं और क्राउड वाले एरिया में घूम रहे हैं, इट वॉज नॉट अ सेफ। आप जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं बाहर बंदे के साथ या किसी लोगों के साथ अगर क्राउड में हैं तो आप कितना टाइम स्पेंड करें, लेस से लेस टाइम स्पेंड करना सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिसीज़, यानी कि आपको बुखार आ रही है, बुखार आना या कम होना या ज़्यादा होना ये एक कोविड का मेन लक्षण है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है और आपने अगर रिपोर्ट कराया और आपका रिपोर्ट पॉजिटिव भी आता है तो आप फर्स्ट क्या करें,
अगर आपको ये पता चलता है तो फर्स्ट आप अपने आप को एक अलग रूम में कंसोलेट कर दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग वो रूम ओपन विंडो फ्रिक्वेंटली, वहाँ पे वेंटिलेशन की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे बाहर की नेचुरल एयर आती जाती होनी चाहिए। ये बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग को क्वारंटाइन हो जाते हैं बट उस रूम की सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे विंडोज़ है या नहीं है वो ध्यान नहीं रखते हैं। इसकी वजह से भी पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है कई बार। अब हमें अगर पता चल जाता है कि भाई मेरे को या फिर मेरी फैमिली में किसी को कुछ कोविड रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट क्या करें, बेसिक फर्स्ट स्टेप्स क्या लें। अगर किसी को भी पता चल जाता है खुद को कि मैं एक कोरोना पेशेंट हो सकता हूँ या मैं शंका लग रही है, तो प्लीज़ अपने आप को एक रूम में कंसोलेट कर दें जहाँ पे वेंटिलेशन हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा वहाँ पे अपना खुद के मास्क का बंदोबस्त कर ले, सैनिटाइज़र का बंदोबस्त कर ले, और उसके अलावा आप अपनी डिश है, खाने की चीज़ें है, अपना टॉवल है, जो भी है वो सब अलग कर दे। उसके अलावा अगर आप पानी पीने के लिए अलग मटकी भी रख सकते हैं रूम में, कुछ दिनों के लिए आप इस तरह से भी रख सकते हैं। अब इन सब के लिए किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जिसको भी कोरोना होता है तो सब लोग उससे दूर भागने लगते हैं। ज़्यादातर लोग इसकी वजह से अकेलापन महसूस करते हैं और उसकी वजह से ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और इसी की वजह से ही डिसीज़ ज़्यादा असर करती है उसको। जो भी बंदा है जिस सिचुएशन में है उसको अकेला मत रखे, मीन्स अकेला मीन्स उसके लिए कुछ ना कुछ आप उसके लिए हेल्पफुल रहे। उसका टेम्परेचर है तो भाई दूर से उसका जो भी हेल्थ रिगार्डिंग चेकअप है, उसकी दवाइयाँ हैं, उसको जो भी चीज़ें चाहिए बेसिक, उसमें भी हेल्पफुल रहे। अगर आपकी आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी है, आप हेल्दी है, वो तो उस तरह के बंदे को उनके नियरली जाने दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पर उसको भी बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने होंगे, जैसे कि बार बार हाथ धोते रहना है, मास्क लगाए रखना है जब भी वो बंदे के नज़दीक जाए, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो भी क्या ध्यान रखें, अगर आपको बाहर जाना है वो भी, या फिर आपके फैमिली में किसी को विज़िट करने जाना है, विज़िट करने जाने वाले हो और आपको पता है कि सामने वाले बंदे को कोवियड हुआ है, ज़रूरी नहीं है कोवियड हुआ हो और अपने फैमिली मेंबर से मिले, आप टेलीफोनिक बातचीत कर सकते हैं, हो सके तब तक वो जो बंदा है वो खुद ही कह दे अपनी फैमिली को कि आप अभी मुझे ना मिले तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर जो आप उसको मिलने जाते भी हैं, क्लोज़ जाते हैं, तो प्लीज़ मास्क पहने, अपना हाथ सैनिटाइज करते रहे, हैंड वॉश भी करते रहे बार बार, और एक सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर जितना डिस्टेंस रखे, ये सब बहुत ही ज़रूरी बात है। उसके बाद है अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, अभी के टाइम में हमें शॉपिंग तो करनी पड़ेगी, बेसिक चीज़ है, नीड्स है, उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो अगर बाहर जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉप में जा रहे हो, तो प्लीज़ नियरेस्ट टू नियरेस्ट जो भी ग्रोसरी शॉप अवेलेबल है वहीं से ही चीज़ें बाय कर ले। उसके अलावा अपने साथ जब भी बाहर जाए तो अपने आप को सैनिटाइज और मास्क पहनना ना भूले, और अगर हाईली रिस्क लग रहा है तो मेडिकल मास्क पहने। यहाँ पे दिखाया गया है कि मगर आप हाईली रिस्क वाले एरिया में जा रहे हैं तो मेडिकल मास्क अपने साथ रखें। बाहर से जाने के टाइम अगर आप जहाँ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे शॉर्ट में और कम से कम टाइम स्पेंड करें, और डिस्टेंस रखें दूसरों से, 1 मीटर जितना डिस्टेंस रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद डोंट पुट ऑफ नेसेसरी मेडिकल अपॉइंटमेंट। अब इस सिचुएशन में मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको कहीं बाहर मेडिकल अपॉइंटमेंट खुद के लिए लेने जाना है या फिर किसी और की भी मेडिकल अपॉइंटमेंट लेनी है, तो प्लीज़ पहले कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले ले, वहाँ जाके डॉक्टर के पहले फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन ले ले वो अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो अपॉइंटमेंट बुक करवा ले। वहाँ जाने से पहले उनका जो भी रेगुलर जो भी टाइम है वो चेकअप करके जाए। उसके अलावा मास्क है, सैनिटाइज़र है, वो लेना ना भूले। उसके अलावा अगर हाईली रिस्क एरिया है तो मेडिकल मास्क रखना भी ना भूले, और हो सके उतना डिस्टेंस रखे। अपने वहाँ भी जाने के बाद, मेडिकल एरिया में जाने के बाद भी वहाँ पे एक
क्राउड भी, मीन्स क्राउड में नहीं रहे, वहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस रखे लोगों से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर इन केस समवन गेट सिक इन योर हाउस होल्ड, अगर आपके घर में किसी को भी किसी तरह की सिक, यानी कि अगर जुखाम है या फिर सर्दी हो चुकी है या बुखार आ रहा है, तो अगर पहले से ही क्या क्या गाइडेंस रखे, जैसे कि कुछ बेसिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि ग्रोसरी वाला है, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, उसके कॉन्टैक्ट्स है, तो आप कॉन्टैक्ट्स को एक लिस्ट आउट करके रख सकते हैं। मेडिकल का भी हो, मेडिकल स्टोर वाले का भी नंबर आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैमिली रिलेटिव्स है, नेबर्स है, अगर उनके भी इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स आप हेल्पफुल होने के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको खुद को लग रहा है कि आप बीमार हो, तो अपने स्टॉक कर ले मास्क का भी, जो आप वीकली उस पर उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सके, जो भी मास्क आपको चाहिए तो आप वीकली यूज़ कर सके, ऐसे 4-5 मास्क भी अपने साथ रख सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र है, मेडिसिन है, वो सब भी अपने साथ रखें। अपने आप को एक रूम में, अपनी फैमिली से अलग करके एक रूम में आप कंसोलेट कर दें, और इस तरह से आप अपनी फैमिली को अब बहुत ही अच्छी तरह से और उनकी अवेयरनेस भी रख सकते हैं और अपनी खुद की भी अवेयरनेस रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है, ये मैंने आपको बेसिक गाइडलाइंस बताई। जैसे आप अगर इसकी साइट में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ है कि व्हाट टू डू कीप योर सेल्फ एंड अदर सेफ फ्रॉम COVID-19, मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर, आप किसी से और आप भी 1 मीटर जितना डिस्टेंस हमेशा रखें। मेक वेयरिंग अ मास्क नॉर्मल पार्ट ऑफ बीइंग अराउंड अदर पीपल, किसी भी पीपल के कांटेक्ट में होने से आप पहले आप अपने आप को मास्क लगा के रखें अपने पास। अप्रोप्रिएट यूज स्टोरेज एंड क्लीनिंग और डिस्पोजल आर एसेंशियल टू मेक अ मास्क एज एफेक्टिव एज पॉसिबल, अगर आप मेडिकल मास्क यूज़ कर रहे हो तो वो रोज़ से रोज़ फेंक देने होते हैं, तो उसका जो भी आप निकाल कर रहे हैं वो बहुत ही क्लीन तरह से करें, उसकी वजह से भी किसी को इन्फेक्शन हो सकता है। हाउ टू, आप उनकी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस भी देख सकते हैं कि हाउ टू वियर अ मास्क, आपको किस तरह से मास्क पहनना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने उसमें बताया हुआ है। हाउ टू मेक योर एनवायरनमेंट सेफ, आप यहाँ पे किस तरह से अपना एनवायरनमेंट सेफ कर सकते हैं, तो अवॉइड द 3C, यहाँ पे स्पेस दैट अराउंड क्लोजेज, यानी नज़दीकियाँ कम कर दे, क्राउड और इन्वॉल्व, यहाँ क्राउड से दूर रहे, और इन्वॉल्व क्लोज कॉन्टैक्ट, और बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट ना रखें। इस तरह की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो बेसिक इम्पॉर्टेंस है, जो यहाँ पे बताई गई है। अब मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि डोंट फॉरगेट द बेसिक्स ऑफ गुड हाइजीन। गुड हाइजीन के लिए कुछ बेसिक्स दिए गए हैं जो हमें बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलरली एंड थ्रूली क्लीन योर हैंड्स विथ एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और वॉश देम विथ सोप एंड वाटर। अगर आप कहीं भी बाहर जाके आते हैं या फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद भी, अगर आप घर में हैं, कुछ काम करने से पहले, खाना खाने से पहले भी आप अपने हाथ धोते रहे। अवॉइड टचिंग योर आई नोज़ और माउथ, अपने आँखों को, नाक को और मुंह को बार बार टच करना अवॉइड कीजिए। कवर योर माउथ एंड नोज़ विथ योर बेंट एल्बो और टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज, अगर आपको छींक आ रही है, जब भी टाइम में छींक आ रही है, तो उससे पहले अपने आप को, अगर आप चाहते हैं तो एल्बो से अपने हाथ के जो भी शर्ट है या टी शर्ट है उसके ऊपर भी अपने हाथ से आप उसके ऊपर छींक खा सकते हैं, या फिर अपने पास रुमाल रखें। रुमाल रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो उस टाइम में रखें जिससे किसी और को प्रॉब्लम ना हो। क्लीन एंड डिन इन्फेक्ट सरफेस फ्रिक्वेंटली स्पेशली दोज विच आर रेगुलरली टच्ड सच एज अ डोर हैंड, अगर आप इस पे से आप देख सकते हैं ये क्या कहना चाहता है कि अगर आपके घर का जो डोर है उसके हैंड को, जिस चीज़ों को बहुत बार छुआ जाता है लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, तो प्लीज़ उसको बार बार, मीन्स आप
दिन में साफ कर सकते हैं एक दो बार, तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया होगा तो भी वो भी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये बहुत ही बेसिक प्रिकॉशंस है जो हमें रियल में फॉलो करने चाहिए, जो हमें बचपन से हमें अपनी फैमिली सिखाती है, बट हम लोग अपनी जिस तरह की अभी की लाइफस्टाइल चल रही है, करंट सिनारियो चल रहा है, या हमारे लाइफ के जिस तरह के स्ट्रेसेस है उसके अकॉर्डिंग हम ये सब भूल जाते हैं। यहाँ पे बहुत और भी चीज़ें अवेलेबल है वेबसाइट में, आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, और उनकी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में सब वीडियोज़ भी अवेलेबल है। WHO ने टोटली गाइडलाइंस बहुत ही अच्छी तरह से बनाई है, अगर हम इसको फॉलो करें तो हम बहुत ही सेफ रख सकते हैं। देखो इसके सिम्टम्स क्या है वो भी उसको इन्होंने बताया है कि किस तरह के सिम्टम्स भी होते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप के बच्चे हैं जो 5 साल या 5 साल से छोटे हैं तो उनको क्या प्रिकॉशंस करें वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर है, हेल्थ वर्कर है, या मीन्स आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो भी क्या प्रिकॉशंस रखना है। इसके अलावा अगर आप 65 ईयर या ओल्ड है, मीन्स यानी कि बहुत बुजुर्ग है, इंसान है, तो भी आप क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। सब गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गाइडलाइंस को पढ़ने के लिए आप पर्टिकुलर फ़ोटोज़ के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, या फिर कोई और अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन हेल्थ रिगार्डिंग, या फिर किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन को आपको लगता है कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।